कटी तो कटी होनी चाहिए किसी को लगी है कि नहीं लगी है। जब हम मौके पर पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि तीन व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें से जोगिंदर सिंह, प्रभजोत कौर और सरबजीत कौर। और जो गोली मारने वाला है वो जोगिंदर सिंह का, जो जोगिंदर सिंह की लड़की है उसका ही लड़का है। और बेटे के तौर पर, क्योंकि जोगिंदर सिंह के पास खुद का कोई बेटा नहीं था, तो बेटे के तौर पर उसको बचपन से ही अपने साथ रखा हुआ था। आप देख सकते हैं, आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं, क्योंकि पूरे परिवार में दुखों का कहर बढ़ जाता है कि जब उनको पता चलता है कि दोते ने अपने ही नाना की और अपनी मासी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। जिसके बाद आप देख सकते हैं गांव के और रिश्तेदार, जो तमाम उनके परिवार के नजदीकी रिश्तेदार हैं, वो इस समय थाने में मौके पर पहुंचे हैं। क्योंकि जो इसको समझाने के लिए जोगिंदर सिंह ने अपनी और अन्य दो लड़कियां हैं वो बुलाई हुई थी, तो उस रंजिश को रखते हुए कल मौके पर इसने अपने नाना की ही जो लाइसेंसी असला है उसके साथ नाना को गोली मारी और दो मासियों को गोली मारी, जिसमें से जोगिंदर सिंह व प्रभजीत कौर की मृत्यु हो चुकी है और एक अन्य इलाज के लिए एडमिट है। कल इसे कुछ भी सजा, इसको तो बहुत मजे आ गए, इतने फांसी कट के होनी चाहिए इसे आदमी को, तो आगे कुछ उसको सबक आवे। तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं फतेह सिंह की, यह तस्वीर है जिनको उनके नाना द्वारा गोद में लिया था और किस तरह से आप देख सकते हैं उसने अपने नाना की और अपनी मासी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। ये लाइव तस्वीर इस समय फतेह सिंह की देख सकते हैं, फिलहाल ये फरार बताया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीर इस समय आप करनाल के अच्छनपुर गाँव, जो असंध हल्के का पड़ता है, वहां से आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अच्छनपुर गाँव के जोगिंदर सिंह, जो इसके नाना थे, जोगिंदर सिंह जी ने अपनी ही बड़ी बेटी का जो बेटा था उसको गोद लिया हुआ था, जो फतेह सिंह था, और उसने कल रात को अपने ही नाना की लाइसेंसी बंदूक से अपनी एक मासी की हत्या कर दी और अपने नाना की हत्या कर दी, जिसके बाद वो मौके से बताया जा रहा है कि बंदूक लेकर फरार हो जाता है। गांव के तमाम लोग यहां पर मौके पर मौजूद हैं और हर कोई ये चाह रहा है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि जो पुलिस है, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जमीनी विवाद और जमीन के लालच में आकर उसने अपने ही नाना की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। ये नाना जोगिंदर सिंह की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, जो बुजुर्ग नाना है जोगिंदर सिंह, उनकी तस्वीर देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी ही बेटी के लड़के को गोद लिया था, लेकिन उसने बड़ी बेरहमी से अपने ही नाना की और अपनी मासी की हत्या कर दी है। और इस समय पूरा गांव, इस समय आप देख सकते हैं यहां पर मौके पर मौजूद है, पूरे परिवार में, पूरे गांव में मातम पसर जाता है। गांव में किस तरह से रात के समय जो ये गोलीकांड हुआ, जिसके बाद पूरा गांव मौके पर पहुंच गया, SHO असंध मौके पर पहुंचे, DSP मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीमों को भी मौके पर बुलाया गया। इसी जगह पर हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से उसने अपने दादा को गोली मारकर उनकी हत्या की। यहीं से जो छरे थे वो एक बेटी को भी लगते हैं, जो उनकी दूसरी मासी थी उसको भी छरे लगे हैं। तो दो लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको करनाल और असंध के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो ये लाइव तस्वीरें समय अच्छनपुर गांव से आप देख रहे थे, एक बहुत ही दुखद समाचार इस पूरे गांव के लिए, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के असंध हल्के के अच्छनपुर गांव की, जहां पर किस तरह से दोते ने अपने ही नाना व मासी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। जमीनी लालच में आकर जो है दोते ने अपने नाना की ही बंदूक से पहले नाना पर गोली चलाई, उसके बाद मासी पर गोली चलाई, एक अन्य मासी और उसकी बेटी को भी जो है छरे लगे हैं, जिनको अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो डबल मर्डर का यह मामला कल देर रात को सामने आता है, जिसके बाद सूचना मिलते ही असंध थाना प्रभारी मौके पर पहुंचते हैं, DSP मौके पर पहुंचते हैं, तमाम फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया जाता है। फिलहाल जो आरोपी फतेह सिंह है, जो दोता है, जिसने अपने ही नाना और मासी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी, वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। इस समय असंध थाना के जो प्रभारी हैं इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। कल रात को एक डबल मर्डर का मामला सामने आया, क्या कुछ जानकारी आपके पास आई थी जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे? कल हमारे को सूचना मिली थी कि इच्छनपुर गांव में फायरिंग हुई है, तब तक क्लियर नहीं हुआ था किसी को लगी है कि नहीं लगी है। जब हम मौके पर पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि तीन व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें से जोगिंदर सिंह, प्रभजोत कौर और सरबजीत कौर। और जो गोली मारने वाला है वो जोगिंदर सिंह का, जो जोगिंदर सिंह की लड़की है उसका ही लड़का है।
और बेटे के तौर पर, क्योंकि जोगिंदर सिंह के पास खुद का कोई बेटा नहीं था, तो बेटे के तौर पर उसको बचपन से ही अपने साथ रखा हुआ था। लेकिन अब जब उस लड़के की शादी भी इन्होंने, जोगिंदर सिंह ने कर दी थी, अब कुछ संपत्ति को लेकर थोड़ा सा विवाद हो गया था, जिस वजह से जोगिंदर सिंह ने इसको कह दिया था कि अब हिसाब किताब मैं करूंगा, तुम इसको खराब कर रहे हो। मतलब कि कर्जदार उसके पास आने लगे थे कि आपके देवते ने कर्ज ले रखा, वो वापिस करिए। उसके बाद उसको थोड़ा जैसे ही कहा सुनी हुई, उस रंजिश में कल जो इसको समझाने के लिए जोगिंदर सिंह ने अपनी और अन्य दो लड़कियां हैं वो बुलाई हुई थी, तो उस रंजिश को रखते हुए कल मौके पे इसने अपने नाना की ही जो लाइसेंसी असला है उसके साथ नाना को गोली मारी और दो मासियों को गोली मारी, जिसमें से जोगिंदर सिंह व प्रभजीत कौर की मृत्यु हो चुकी है और एक अन्य इलाज के लिए एडमिट है कल्पना चावला। तो पता चला फिर जो गोली मारने वाला फतेह सिंह है आरोपी, उसके बारे में कोई पता चला कि कहाँ फरार हुआ है, क्या बंदूक लेकर फरार हो गया वो? फतेह सिंह मौके से असले के साथ फरार हो गया। जब तक पुलिस या पड़ोसी उसको काबू करते तो वो पहले ही वहां से गाड़ी लेके और भाग गया था। उसकी तलाश की जा रही है, जल्द उसको काबू किया जाएगा। उसके पास स्विफ्ट गाड़ी है। तो कोई नशा करने का भी आदि था है? अभी तक पड़ोसियों के द्वारा जो बताया गया है कि नशा भी ये करता। तो कितने समय पहले गोद लिया था? बचपन से ही? बचपन से ही, शायद एक दो साल का ही होगा जिस टाइम से इनके पास ये रह रहा है। तो कल कितने बजे हुआ सर ये मामला? ये कल करीब 10 बजे के आसपास घटना हुई है। उसकी शादी कब हुई थी? करीब 2 साल पहले उसकी शादी हुई। तो अब क्या कार्रवाई सर की जा रही है? अब इसमें उनके जो स्टेटमेंट लिया गया है परिजनों का, और उस पर FIR रजिस्टर्ड कर दी गई है, और उसको जल्द ही काबू किया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई जारी है। तो तीसरे की हालत कैसी है, जो पिछली आती है? वो अभी ठीक है, जो मासी है तीसरी उनकी, वो ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, असन थाना प्रभारी ने बताया कि किस तरह से दोते ने अपने ही नाना की बंदूक से नाना को गोली मारी, उसके बाद अपनी मासी प्रभजोत कौर को गोली मारी, तीसरी मासी को भी गोली मारी, जिसके बाद हालांकि तीसरी मालत जो मासी है उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन दो लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए असन के सरकारी हॉस्पिटल में रखवा दिया गया है, जहां पर अभी कुछ ही देर में उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और जानकारी यह मिली है कि अपनी स्विफ्ट गाड़ी से असले के साथ बंदूक लेकर मौके से ही फतेह सिंह फरार हो जाता है। पुलिस की तमाम टीमें, CIA की तमाम टीमें छापेमार कार्रवाई कर रही है, और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी फतेह सिंह को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला करनाल के असंध हल्के के अचनपुर गांव का, जहां पर बीती रात तकरीबन 9:30 साढ़े 9 बजे के करीब जो है यह मामला हुआ, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जमीनी लालच में आकर जो है उसने अपने ही नाना की बंदूक से अपने नाना और मासी की जो है बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, असंध। एक बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला करनाल के असंध हल्के के इचनपुर गांव में सामने आता है। बीती रात को दोते ने अपने ही नाना की और अपनी मासी की हत्या कर दी। हम आपको बताना चाहेंगे, जो नाना जोगिंदर सिंह है उनकी चार लड़कियां थी, चारों शादीशुदा थी, और एक लड़की का बेटा था फतेह सिंह, जो दोता था, जिसको गोद लिया हुआ था क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी, चार बेटियां थी, और उसने किस तरह से अपने ही नाना की जमीनी लालच में आकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। नाना की ही बंदूक से, दो नाली बंदूक से उसने पहले नाना को गोली मारी, उसके बाद अपनी दोनों मासियां जो घर पे आई हुई थी उनको भी गोली मारी, जिसमें एक मासी प्रभजोत कौर की मौत हो जाती है, जबकि दूसरी मासी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है, और एक मासी की बेटी को भी जो है छरे लगे हैं। तो इस समय लाइव तस्वीरें करनाल के असंध थाना से आप देख सकते हैं। हालांकि असंध थाना के जो सचिवों ने साफ कर दिया है कि आरोपी फतेह सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हत्या का मामला, डबल मर्डर का मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन फतेह सिंह के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। असले समेत गाड़ी में वो फरार हो जाता है। ये लाइव तस्वीरें समय आप करनाल के असंध थाना से देख रहे थे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। अचनपुर गांव का मामला है, तमाम परिवार के लोग भी इस समय थाने में पहुंचे हैं, इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि मामला दर्ज कर लिया है और अलग अलग टीमें जो है आरोपी फतेह सिंह की तलाश कर रहे हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितने बजे आपको जानकारी लगी थी कि रात को गांव में गोलीकांड हुआ? सर हम तो यूपी से हैं, हमें तो 10:30 जानकारी लगी थी। ऐसे ऐसे करके हमारे फूफा लगते हैं जोगिंदर सिंह, अब उन्हीं के दोते ने जो इनके यहाँ रहते हैं उन्हें गोली मार दी है और तो जख्मी हो गए हैं। तो हमें रास्ते में करनाल आगे पता लगा अभी दोनों की, लड़की की भी और उनकी हत्या हो गई है। तो जमीनी लालच में था क्या लगता? वो इन्हीं के पास रहता था,
विनोद पास रहता था, शादी भी यही करा, सब कुछ यही करा, रहना बहना खाना पीना सब यही था। पता नहीं इसके अंदर क्या कोई जमीनी विवाद था, क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में फरार चल रहा है फिलहाल। हाँ फिलहाल फरार है। नाना की बंदूक से गोली मारी? हाँ नाना की लाइसेंसी बंदूक थी जोगिंदर सिंह की, उसी बंदूक से गोली मारी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम परिवार के लोग हैं, हर कोई हैरान है कि दोते ने अपने ही नाना को गोली मार दी, जिस नाना ने पाल पोस के बड़ा किया था। इस समय कुछ और परिवार के लोग हैं। सर बहुत ही दुखद समाचार है पूरे परिवार के लिए, ऐसा क्यों किया दोते ने, क्या वजह थी? पता हुआ की मन च की नहीं बर्ताव सही नहीं किया, की चक्कर एडा को लिया के पालिया पुत्र बनाया। किस तरह की आप चाहेंगे कि सजा होनी चाहिए? सजा कटी तो कटी होनी चाहिए, फांसी होए साले नु, साडा की लगता है? आपके क्या लगता है जोगिंदर जी? मौसा है जी। तो बहन की भी डेथ हो गई, जो बेटी थी उनकी भी डेथ हुई? हाँ एक बेटी की भी डेथ हुई जी, छोटे वाले की, तीसरे नंबर पे सिवन। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं, क्योंकि पूरे परिवार में दुखों का कहर बढ़ जाता है कि जब उनको पता चलता है कि दोते ने अपने ही नाना की और अपनी मासी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद आप देख सकते हैं गांव के और रिश्तेदार जो तमाम उनके परिवार के नजदीकी रिश्तेदार हैं वो इस समय थाने में मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करनाल के असंध के ही सरकारी हॉस्पिटल में भी कुछ ही देर में कराया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला, एक बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला असंध के इछलपुर गांव में सामने आता है, जहां पर आप देख सकते हैं जो तमाम परिवार के लोग हैं वो इस समय यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग जरूर कर रहे हैं। लेकिन हालांकि पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो आरोपी हमलावर है फतेह सिंह, वो अपनी स्विफ्ट गाड़ी से बंदूक भी लेकर असला भी लेकर फरार हो गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप करनाल के असंध हल्के के थाने से आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस समय आप ये तस्वीरें असंध के सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस की देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि नाना और मासी का जो शव है वो यहां पर पोस्टमार्टम में रखवा दिया गया है, जहां पर अभी कुछ ही देर में जो पोस्टमार्टम है वो कराया जाएगा। और जैसा कि आपने देखा असंध थाना के SHO इंस्पेक्टर बलजीत सिंह ने बताया कि हत्या का मामला, डबल मर्डर का मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द जो आरोपी फतेह सिंह है, जिसने अपने ही नाना की, जिस नाना ने पाल पोष के बड़ा किया था, उसी नाना को किस तरह से गोली मारकर उसकी साथ में किस तरह से उनकी जो बेटी थी यानी कि उसकी जो मासी थी उनकी हत्या कर दी जाती है। फिलहाल SHO का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और जो आरोपी फतेह सिंह है, जो एक स्विफ्ट गाड़ी में और लाइसेंसी हथियार लेकर फरार हो गया है, उसको जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस समय आप देख सकते हैं जो परिवार के तमाम लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सभी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक दुख की घड़ी है। किस तरह से पूरे गांव में मातम का माहौल पसर जाता है, इछनपुर गांव यह पड़ता है, जहां पर आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जो तमाम परिवार के लोग हैं वो यहां पर मौके पर मौजूद है, हर कोई यह चाह रहा है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। गांव के सभी जो बुजुर्ग हैं, सभी जो रिश्तेदार हैं, सभी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। और SHO ने यह साफ कर दिया है कि हत्या का जो मामला था, डबल मर्डर का जो मामला है, वो दर्ज कर दिया गया और आरोपी फतेह सिंह को यानी कि जो दोता था उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असंध के सरकारी हॉस्पिटल में समय मौजूद है, जहां पर अभी कुछ ही देर में पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि करनाल के असंध हल्का के इछलपुर गांव का एक बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला जो है सामने आता है, जहां पर एक दोता जिसको पाल पोस के नाना जोगिंदर सिंह ने बड़ा किया था, क्योंकि उनकी चार बेटियां थी और उसने अपनी ही एक बड़ी बेटी का जो बेटा था फतेह सिंह जिसका नाम था, उनको जब 1 से 2 साल का था तभी जो है गोद ले लिया था। और इस समय आप देख सकते हैं जो तमाम परिवार के लोग हैं, सभी लोग यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, की घड़ी में सभी लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। और जानकारी ये मिली है कि जो फतेह सिंह है वो अपने नाना की बंदूक लेकर गोली मारने के बाद, दोनों की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो जाता है, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दोनों का जो शव है वो असंध के इसी सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी जो है फतेह सिंह उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं असंध के सरकारी हॉस्पिटल का जो मोर्चरी हाउस है, यहां पर दोनों के शवों को रखवा दिया गया और कुछ ही देर में पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। नाना और मासी की बड़ी बेरहमी से गोली मारकर नाना ही बंदूक से हत्या कर दी जाती है और आरोप जो है दोते पर ही है। दोता जमीनी लालच में आकर किस तरह से उसने इस तरह का कदम उठाया, जिस नाना ने पाल पोसकर उसको बड़ा किया उसी की बंदूक से उनकी हत्या कर दी जाती है। अपनी मासी जो है उनकी हत्या कर दी जाती है, एक अन्य और मासी वहां पर आई हुई थी उनको भी गोली मार दी जाती है। बहरहाल उसकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। और इस समय जो तमाम परिवार के लोग हैं, तमाम लोग यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और सभी ये चाह रहे हैं कि आरोपी फतेह सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिट्टा करनाल ब्रेकिंग न्यूज असंध।
तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के असन से, जहाँ पर आपको बता दें कि बीती रात जो है एक बहुत ही दुखद मामला जो है, हैरान कर देने वाला मामला जो है सामने आया, जहाँ पर एक दोते ने जो है अपने ही नाना की और अपनी ही मासी की जो है बेरहम से हत्या कर दी, और बताया जा रहा है कि लाइसेंसी बंदूक से जो उनको हत्या कर दी गई है। एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जमीनी लालच में जो है दोता आ जाता है और उसके बाद जो है अपने नाना को जो है गोली मारता है और उसके बाद जो मासी है उनको गोली मारता है। सचो ने बताया कि किस तरीके से जो है जमीनी लालच के चलते जो है इतना बड़ा सख्त कदम जो है उनके द्वारा उठाया गया। फतेह सिंह जिसका नाम बताया जा रहा है, जो कि बंदूक लेकर जो है गाड़ी लेकर जो है फरार हो चुका है। हालांकि पुलिस की तमाम टीमें जो है आरोपी को ढूंढने में लगी हुई है, बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन किस तरीके से एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है, जमीनी लालच में आकर जो है एक दोता जो है अपने नाना और अपनी मासी को जो है बेरहमी से हत्या कर देता है। बताया जा रहा है कि उसमें जो है एक दूसरी मासी थी, उनकी हालत गंभीर है, और उनकी जो मासी की एक बेटी थी उनकी भी जो हालत है गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि आरोपी की जो है कब जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी होती है। हालांकि परिवार के जो तमाम लोग हैं, सदस्य हैं, वो जो है अभी थाने पहुंचे हुए हैं, आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस जो है इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि लगातार तमाम पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपी को जो है ढूंढने में लगी हुई है। और एक शर्मसार कर देने वाला मामला जो है वो करनाल के असन से सामने आता है, जमीनी लालच बताया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है शादी भी हुई थी फतेह सिंह की, और उसके बाद से जो है लगातार जमीन का जो लालच है उसके अंदर बढ़ता हुआ नजर आता है। और किस कदर से जो है वो बीती रात जो है कल देर रात जो है 9:30 की बात है, जब वो जो है अपनी लाइसेंसी बंदूक से जो है अपने ही घर में जो उसकी दो मासियां आई हुई थी उनके साथ जो है किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, और उसके बाद जो है वो अपने नाना की और एक मासी की जो है गोली मार देता है और वहां से जो है मौके से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि वो जो असला था, जो लाइसेंसी बंदूक था, उसके नाना का था, और वो लेकर जो है वहां से फरार हो जाता है। अब क्या कुछ इसमें जो है पुलिस कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल वे हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल वे हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले